अलका लेडीज़ टेलर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए बता रही हूँ। पहले मैं इस कपड़े का ये ब्लाउज बनाऊंगी, इसमें सिंपल ब्लाउज बनाऊंगी। उसका ये नाप है, इस नाप के हिसाब से मैं बनाऊंगी। पहले मैं इसका पीछे पल्ला नापती हूँ। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापती हूँ। ब्लाउज की लंबाई 14-15 इंच है, 15 इंच है लंबाई। तो मैं इसे 15 इंच लंबाई लेती हूँ, 15 इंच लंबाई लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं सीना नापती हूँ। सीना 21 इंच है, 21 इंच सीना 21 इंच है। उसके आधा होता है 10-10.5 इंच, 20 का आधा 10 और उसका डेढ़ का आधा करेंगे तो 10.5 इंच। उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं ली हूँ, 1/4 इंच ज़्यादा ले ली हूँ। तो सिलाई के लिए ली हूँ तो सीना में ले ली हूँ 11.25 इंच ले ली हूँ और यहाँ लंबाई हो गई। अब मैं इसके गला का नाप लूँगी। पीछे का गला है, आठ इंच। फिर यहाँ ऊपर गला जो है मैं 1.5 इंच लूँगी। इसलिए क्या, ये गला गिरेगा नहीं, गला गिरा हुआ अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं 1.5 इंच पे ये चिन्ह लगाती हूँ। फिर यहाँ पे चौड़ाई में 2.5 इंच लेती हूँ जो अच्छी तरह से बड़ी गला बन जाएगी। ये गला गिरेगी भी नहीं और बड़ी हो जाएगी। इसको मैं ऐसे मिला लेती हूँ, ड्राइंग कर लेती हूँ। फिर है यहाँ पे मुड्ढा, शोल्डर है 2.5 इंच, ये मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ। कंधा 2.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच, 5.5 इंच लेती हूँ। अब मैं इसे गोलाई से मिला लेती हूँ। गोलाई से मिला ली, अब मैं इसे कटिंग करती हूँ। पीछे का पल्ला देखिए फ्रेंड, ये पीछे का पल्ला मेरा तैयार हो गया कटिंग करके। अब मैं इसी के सहारा से आगे का पल्ला काट रही हूँ।
देखिए इसी के सहारा से मैं आगे का पल्ला से काट रही हूँ। आगे का गला है, साढ़े पांच इंच। एक गला साढ़े पाँच इंच और फिर इसी के सहारा से यहाँ कंधा काटती हूँ, शोल्डर काटी कखी काट रही हूँ। इससे थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा लूँगी, पीछे के पल्ला से आगे के पल्ला का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा, एक उंगली या आधा इंच के ये मैं ज़्यादा लूँगी, तब दोनों का सिलाई में मेकअप बराबर होता है। कारण क्या, आगे पल्ला में थोड़ा सा टेकिंग सहूद लगता है तो वह खिंचा जाता है लंबाई, इसलिए एक उंगली कहें या आधा इंच कहें मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। आगे पीछे दोनों का पल्ला मेरा तैयार हो गया। देखिए ये पीछे आगे पल्ला हुआ, ये पीछे पल्ला तैयार हुआ। अब मैं बांह काटूंगी बाजू। हेलो फ्रेंड, बांह की लंबाई है साढ़े पाँच इंच, डेढ़ इंच मैं ली हूँ पट्टी मोड़ने के लिए। और उसके बाद बांह की मोहरी हमको हम रखे हैं आठ इंच, तो आठ इंच रखे हैं, डेढ़ इंच इसमें डेढ़ इंच मोहरी हम मोड़े, एक डेढ़ इंच पट्टी मोड़ेंगे और उसके बाद फिर एक इंच ऊपर रखेंगे, तो अढ़ाई इंच पे मैं यहाँ ले रही हूँ। और यहाँ से लंबाई से यहाँ मैं ड्राइंग मिलाऊंगी।